उन्होंने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये दिखाया था कि किस तरह से जम्मू का एक प्रमुख चौक जहां पर काफी लोगों की व्यस्तता देखी जाती है, और वो चौक का नाम था सिटी चौक, जिसको बदलकर भारत माता चौक रख दिया गया। हालांकि जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा यह बहुत अच्छा कदम है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम स्थानों का नाम बदल रही है उसी के तर्ज पर यहां पर भी वो नाम बदला गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसको धारा 370 के साथ भी जोड़ा, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 370 की समाप्ति के बाद इस तरह से चौक का नाम भारत माता चौक होना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर्कुलर रोड, वहां पर भी कहीं ना कहीं उसका नाम अटल चौक के नाम पर रखा गया, जो हमारे जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे और एक वरिष्ठ नेता थे, प्रमुख नेता थे, जो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष आकर जनता की आवाज बनते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर रखा गया। लेकिन एक तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सांबा का जो बस स्टैंड है उसका नाम भी बदलकर अब पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम पर रखा गया है। कहीं ना कहीं अब बदलाव की लहर आ रही है, और बदलाव जो है किस तरह से आ रहा है, तमाम चौकों का नाम बदला जा रहा है। वहीं अगर कहा जाए तो यहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बात की गई, एयरपोर्ट का नाम बदलने की बात की गई, ये तमाम बातें यहां पर होती रही हैं। और कुछ देर पहले एक बुलंद आवाज यहां के लोगों की उठी थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की जाए, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है, समय जो है बीत रहा है, उम्मीद है कि वो भी जल्द होगा। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बदलती हूँ। नमस्कार।